नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सेना प्रमुख की थप्पड़ खाई तस्वीर से बौखलाया पाक, इंडिया टुडे की वेबसाइट ब्लॉक। पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख राहिल शरीफ की एक अपमानजनक तस्वीर प्रकाशित करने को लेकर इंडिया टुडे वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। गौरतलब है कि अंग्रेजी भाषा की इस पत्रिका ने अपने हालिया अंक में अपने कवर पृष्ठ पर राहिल की तस्वीर प्रकाशित की थी, जिसमें उनके गाल पर थप्पड़ का निशान था। यहां इंडिया टुडे वेबसाइट के पेज पर ये लिखा हुआ आ रहा है, आप जिस साइट पर जाना चाह रहे हैं उसमें शामिल वस्तु पाकिस्तान में देखे जाने के लिए निषेधित है, इस वेबसाइट पर नहीं पहुँचा जा सकता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा, पाक को लताड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान पर पीओके में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार ने कहा कि पाकिस्तान का निराशाजनक पिछला रिकॉर्ड जग जाहिर है। कई देशों ने बार बार पाकिस्तान से कहा है कि वो सीमा पार घुसपैठ रोके, आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करे और आतंकवाद के अधिकेंद्र के तौर पर काम करना बंद करे। कुमार ने कहा कि पाकिस्तान की पहचान तानाशाही, लोकतांत्रिक नियमों की अनुपस्थिति वाला और बलूचिस्तान सहित देश में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता के तौर पर है। राहुल गांधी बोले, झूठ बोलते हैं मोदी, लोगों को लड़ाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं और लोगों को लड़ाते हैं। राहुल ने मिर्जापुर में एक रोड शो के दौरान कहा कि मोदी सिर्फ एक काम अच्छी तरह जानते हैं और वो है एक दूसरे को लड़ाना। हरियाणा में जाट और गैर जाट को लड़ा दिया, उत्तर प्रदेश में लोगों को लड़ा दिया, जो कश्मीर कांग्रेस के शासन काल में शांति था वहाँ भी लोगों को लड़ा दिया, असम में लोगों को लड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ लड़ाते हैं, इससे विकास नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि मोदी ने कुछ नहीं किया, वे सिर्फ झूठ बोलते हैं।